हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल आज का हमारा टॉपिक है अबाउट स्मेल फिजियोलॉजी आज इस वीडियो में स्मेल क्या होता है क्या उसका क्लासिफिकेशन है क्या उसका रिसेप्टर ऑर्गन है व्हाट इज द ऑल ट्रांसडक्शन ऑल्फैक्ट्री पाथवे क्या होता है और उसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो जो स्मेल का सेंसेशन है जिसको हम ऑल्फैक्शन भी बोलते हैं एंड द टेस्ट सेंसेशन विच इज ऑल्सो नोन एज दे आर द केमिकल सेंसेशन ये तब स्टिमुलेट होते हैं जब इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे दे आर इन द डिजोल्व फॉर्म और इन द सोलूशन है ना तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि टेस्ट को प्रोड्यूस करता है या फिर ऐसा सब्सटेंस जो कि स्मेल को प्रोड्यूस करता है इट मस्ट बी इन द डिजोल्ड फॉर्म तभी वो इनके रिसेप्टर्स को स्टमुलेट कर सकता है नहीं तो वो इनके रिसेप्टर्स को स्टमुलेट नहीं कर सकता है ना तो नोज के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है और जो माउथ के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है तो जो टेस्ट के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर डिजोल्व इन द सलाइवा और जो ओडर एंड सब्सटेंसेज होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे डिजोल्व इन द म्यूकस और फिर वो इनके जो रिसेप्टर्स हैं इनको स्टिमुलेट करते हैं ठीक है अब जो स्मेल रिसेप्टर्स हैं इनको हम केमिकल रिसेप्टर्स बोलते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज कीमो रिसेप्टर्स 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 आर द विच रिस्पॉन्ड टू केमिकल स्टिमुलस ओके then one more important point that the smell is the only sensation that has no relay in the thalamus. जितने भी हमारे sensations हैं सारे के सारे सेंसेशन cerebral कॉटेक्स में पर्टिकुलर एरिया में रिले करने के पहले वो thalamus में रिले करते हैं यहाँ पे लेकिन एक्सेप्शन कौन सा है स्मेल स्मेल एक ऐसा सेंसेशन है जो कि thalamus में रिले नहीं करता ठीक है अब द स्मेल एंड टेस्ट आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि दोनों सेंसेशंस आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं है ना? कैसे हम इसको समझते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सब्सटेंस है डिलीशियस सब्सटेंस है खाने वाला जिसके अंदर बहुत अच्छी स्मेल आ रही होगी तो वो आपके टेस्ट के सेंसेशन को भी बढ़ाएगा है ना और इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कोरोना के समय में एक सिम्टम था देर वॉज लॉस ऑफ स्मेल है ना तो ऐसे लोग जिन जो कि कोरोना जिनको हुआ होगा तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जब स्मेल का सेंसेशन इट वाज लॉस्ट तो जो टेस्ट है किसी भी चीज़ को जो टेस्ट को जो परसीव करने का जो सेंसेशन था ये भी कम हुआ था है ना अब फ्लेवर इट इज़ अ कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ स्मेल एंड टेस्ट अब अगर हम स्मेल को क्लासिफाई करें तो देयर आर अबाउट हंड्रेड प्राइमरी सेंसेशंस ऑफ स्मेल सम ऑफ देम आर फर्स्ट इज द एरोमेटिक ऑर्डर विच इज ड्यू टू कैम्फर लेवेंडर और क्लब बर्न ऑर्डर विच इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फेदर और टोबैको फ्रेगनेंट ऑर्डर जो कि फ्लावर्स की, की वजह से या फिर परफ्यूम्स की वजह से आती है कैप्रेलिक ऑर्डर या फिर प्यूट्रेड ऑर्डर विच इज़ ड्यू टू कैप्रेलिक एसिड और स्वीट चीज इथेरल ऑर्डर जो होती है वो फ्रूट्स में से आती है एम्ब्रोजियल ऑर्डर फ्रॉम द मिल्क गार्लिक ऑर्डर जो कि गार्लिक से अनियन से या फिर सल्फर प्रोड्यूस uh, करता है ऑर्डर ऑर्डर इज़ ड्यू ड्यू टू टू वेजिटेबल्स एंड एंड बेड अब अगर हम ऑलफेक्ट्री मेम्ब्रेन को देखें तो यहाँ पर एक स्पेशल म्यूकस मेम्ब्रेन का एरिया होता है जो कि सुपीरियर नेजल कौका के अबव लाए करता है जिसको हम बोलते हैं ऑलफैक्ट्री एरिया इस डायग्राम में आप देखें जो हमारी नेजल कैविटी है इट इज़ डिवाइडेड इन टू थ्री कंपार्टमेंट्स बाय थ्री नेजल कॉन्काय इन्फीरियर कॉन्के मिडल कॉन्के एंड सुपीरियर नेजल कॉन्के तो ये जो सुपीरियर नेजल कॉन्के का ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं ऑलफैक्ट्री एरिया है ना इसी एरिया के अंदर हमारे ऑलफैक्शन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है अगर हम इसका सरफेस एरिया देखेंगे इस मेम्ब्रेन का तो लगभग 2.4 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है येलोश ब्राउन कलर का ये एरिया होता है विच इज लाइन बाय सीरोड कोलियम है ना अब लाइन विद इन दीज आर द रिसेप्टर सेल्स और ऑलफेक्ट्री सेल्स तो यहाँ पर देयर आर रिसेप्टर सेल्स विच आर प्रजेंट इन दल्फैक्ट्री मेम्ब्रेन ऑलफैक्ट्री मेम्ब्रेन के अंदर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है लेटर स्टडी अबाउट दैम है ना तो ये लगभग 10 से लेके 100 मिलियन ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारी ऑलफेक्ट्री मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब ये जो रिसेप्टर्स हैं इनके अंदर दो तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं फन टाइप ऑफ सेल इज सिंटेक्यूलर सेल और सपोर्टिंग सेल तो यहां पर आप डायग्राम में देखें ये वाले जो सेल्स हैं इनको हम सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं इनका काम होता है फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना दूसरे जो सेल्स हैं इनको हम रिसेप्टर सेल या फिर ऑलफैक्ट्री सेल बोलते हैं जो कि इस डायग्राम में रेड कलर से शो किए गए हैं है ना तो ये बेसिकली एक बायपोलर न्यूरॉन होता है जिसका जो पेरीफेरल एक्सपेंडेड एंड इज कॉल्ड द ऑलफैक्ट्री रॉड है ना तो ये वाला जो भाग है जो कि एक्सपेंडेड है इसको हम ऑलफेक्ट्री रॉड बोलते हैं और ये इसको दीज आर एक्चुअली द डेंड्राइट्स ठीक है 10 टू 15 सीलिया प्रोजेक्ट फ्रॉम ईच रॉड नेजल कैविटी है ना तो अब आप यहाँ पे देखें ये जो रॉड है दिस एंड इन टू हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सीलिया तो लगभग 10 से 15 सीलिया हर रॉड में से निकलते हैं जो कि नीजल कैविटी में प्रोजेक्ट करते हैं ना तो यह डायग्राम कैसा होगा एक्चुअली में दिस डायग्राम इज अपसाइड डाउन है ना तो यहां पर सीलिया होंगे सीलिया में से ऑल फैक्ट्री रॉड निकलेगा और यह वाला जो पोर्शन है यह ऊपर की तरफ ये प्लेस होगा ठीक है सीलिया कंसिस्ट ऑफ व कंटेनिंग रिसेप्टर प्रोटीन है ना विच इज जी प्रोटीन अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखें ये जो ऑल्फैक्ट्री रॉड है इसके अंदर कुछ वसाइकल्स होते हैं इन वसाइकल्स के अंदर बेसिकली देर इज अ रिसेप्टर प्रोटीन जिसको हम जी प्रोटीन बोलते हैं ठीक है एग्जॉन्स आर फ्रॉम द बेस ऑफ द रिसेप्टर सेल अब यहाँ बेस में से ये सारे के सारे एग्जॉन्स निकलते हैं सपोर्टिंग सेल के जो कि कंबाइन करके दे कॉन्स्टिट्यूट द ऑल्फैक्ट्री नर्व विच इज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व है ना अब यहाँ पर देर आर सम वोमन्स ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन द ऑल फैक्ट्री मेमरी इन दिस सिक्रीट म्यूक है ना तो ऑलफेक्ट्री में ब्रेन में यहीं पे इसी एरिया में स्कैटर्ड होती हैं वोमन्स ग्लैंड जिनका काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना और जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि म्यूकस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब तक कि ओडरेंट सब्सटेंस म्यूकस के अंदर डिजोल्व नहीं होगा ये जो रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट नहीं हो सकते तो म्यूकस को सिक्रीट करने का काम होता है वोमन्स ग्लैंड का जो कि इसी ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम में प्रेजेंट होती है ओके नाउ लेट एस स्टडी अबाउट ऑलफैक्ट्री ट्रांसडक्शन तो ट्रांसड्यूसर्स वो सबस्टेंसेज होते हैं जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं है ना अब यहाँ पर ऑलफैक्ट्री ट्रांसडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस बाय ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर्स कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इंटू एक्शन पोटेंशल दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना तो यहाँ पर और जो हमारे ऑलफैक्ट्री रिसेप्टर हैं उनका काम होता है जैसा कि हमने पढ़ा कि जो हमारा स्मेल uh, है इट इज़ अ केमिकल सेंसेशन तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज एक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं है ना तो so, इसका पूरा पाथवे है बेसिकली अब जो ओडोनेंट मॉलिक्यूल है ओडोनेंट मॉलिक्यूल यानी कि ऐसा सब्सटेंस विच इज विच कैन प्रोड्यूस स्मेल है ना तो so, जब भी स्मेल प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस एयर के माध्यम से ऑल्फैक्ट्री एरिया पे आता है तो ये सबसे पहले डिजोल्व होता है म्यूकस में है ना तो कोई भी सब्सटेंस ये आया ऑल्फेक्ट्री एरिया पे तो ये यहां पर जो वोमस ग्लैंड हमारी म्यूकस सिक्रीट करती हैं इसके अंदर ये जो सब्सटेंस है इट गेट्स डिजोल्व ठीक है देन इट कम्स अब ये डिजोल्व हो जाएगा तो ये सोलबल फॉर्म में हो गया देन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सीलिया ऑफ रिसेप्टर सेल है ना अब ये जो हमारा रिसेप्टर सेल के जो सीलिया हैं ये इसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा यहाँ पर इट बाइंड विद द रिसेप्टर प्रोटीन हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो हमारा ऑलफेक्ट्री रॉड है यहाँ पर हमारे कुछ वसाइकल्स हैं जिस जिस जिनके अंदर हमारा रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना तो अब ये रिसेप्टर प्रोटीन के साथ में बाइंड करेगा एंड इट फॉर्म सब्सटेंस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ठीक तो इस डायग्राम के अंदर देखें ये हमारा रिसेप्टर है ठीक है ये ओडरेंट सब्सटेंस है जब भी ओडरेंट सब्सटेंस रिसेप्टर के पास में आता है सबसे पहले वो म्यूकस में डिज़ोल्व होगा म्यूकस में डिज़ोल्व होने के बाद में व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ रिसेप्टर तो वहाँ पे जो अल्फेक्ट्री रॉड में जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ में ये बाइंड करता है इट एंड इट फॉर्म सब्सटेंस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ना जैसे ही सब्सटेंस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है देर इज एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन तो जो जी प्रोटीन्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं विच कॉज एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लिस फर्दर एडेनाइल साइक्लिस का एक्टिवेशन करता है जो कि कन्वर्ट करता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इंटू साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है ना जैसे ही ए टी पी एम पी में कन्वर्ट होता है देर इज ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स नॉर्मल तौर पे ये सोडियम चैनल्स बंद होते हैं लेकिन जैसे ही एडेनर साइक्लिस एक्टिवेट होता है एटीपी टी साइक्लिक ए में कन्वर्ट होता है और ये चैनल्स जो कि पहले बंद थे अब ये खुल जाते हैं एंड देर इज़ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनसाइड है ना तो सोडियम का इन्फ्लक्स सेल के अंदर होने लगता है अब एक लोकल एरिया पर रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम रिसेप्टर पोटेंशियल बोलते हैं जो कि आगे जाके ये बढ़ता है and it forms it leads to development of action potential and now we can call it ke अब there is depolarization अब इम्पल्स ऑल्फैक्ट्री नर्व के माध्यम से ब्रेन में जाती हैं और ब्रेन में स्मेल के सेंसेशन को परसीव किया जाता है तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ऑलफैक्ट्री ट्रांसटेक्शन नाउ लेट एस स्टडी अबाउट द ऑलफैक्ट्री पाथवे तो यहाँ पर आप देखें एग्जॉन्स ऑफ बायपोलर ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर सेल दे पियर्स द क्रिपॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन एंड रीच द ऑलफैक्ट्री बल सो दीज आर आर बायपोलर ऑल फैक्ट्री सेल्स रिसेप्टर सेल्स हैं नीचे म्यूकस मेमब्रेन है यहाँ पर ओडर्न सब्सटेंस आया ये सेल्स स्टिमुलेट हुए एक्टिवेट हुए अब यहाँ से जो इम्पल्सेज हैं ये दे विल रीच द ऑलफैक्ट्री बल्ब ये वाला जो स्ट्रक्चर है यह ऑल्फैक्ट्री बल्ब है तो ये एथमॉइड बोन में जो क्रिम्यूफॉर्म प्लेट है उसको पेयर्स करते हुए दे रीच द ऑल्फैक्ट्री बल्ब है ना अब यहां पर दीज एक्सन विद डेंड्राइड ऑफ द माइट्रल और टफ्ट सेल्स दीज आर आर माइट्रल सेल्स तो ये माइट्रल सेल्स के जो डेंड्राइड्स uh, हैं उनके साथ में यहाँ पे ये यह सैनप्स होते हैं और यहाँ पर आप देखें ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस है ना तो देर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलस इसी स्पेशल स्ट्रक्चर को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं है ना तो जो ग्लोमेरुलस है बेसिकली इट इज अ जंक्शन ऑफ सैनप्स बिटवीन द मैट्रल सेल्स एज वेल एज द एग्जॉन्स ऑफ द ऑल रिसेप्टर सेल ठीक है ये जो एग्जॉन्स हैं मैट्रल ऑफ टफ्ट सेल के ये बाहर आते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑलफैक्ट्री ट्रैक्ट को ठीक है अब ये जो ऑलफैक्ट्री पाथवे है इट एंड इन टू वेज है ना तो ये जो ऑलफैक्ट्री ट्रैक्ट है अब ये दो तरीके से एंड करता है वन इज मीडियल ऑल फैक्ट्री स्ट्राया एंड अनदर इज लेट्रल ऑल फैक्ट्री स्ट्राया तो ये दो कोर्स ले, ले लेता है अब जो मीडियल ऑल फैक्ट्री स्ट्राया है दीज फाइबर्स दे एंड इन हाइपोथेलामस एंड लिम्बिक सिस्टम सभी का अपना अपना फंक्शन है जो फाइबर्स हमारे हाइपोथेलामस में रिले करते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल एसोसिएटेड विद फूड एंड सोशल बिहेवियर जो फाइबर्स लिम्बिक सिस्टम में एंड करते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल जो कि एसोसिएटेड होती है हमारे इमोशनल बिहेवियर से ठीक है अब जो लेट्रल ऑल फैक्ट्री स्टाया था ये एंड करता है इनटू द प्राइमरी ऑल फैक्ट्री कॉटेक्स और ये ही वो एरिया है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ द स्मेल है ना तो जो हम स्मेल को परसीव करते हैं बेसिकली दैट इज ड्यू टू द फाइबर्स जो कि एंड करते हैं प्राइमरी ऑल फैक्ट्री कॉटेक्स में अब प्राइमरी ऑलफैक्ट्री कॉट्रैक्स इट इज प्रजेंट ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टेम्पोरल लो है ना लेकिन ये पर्टिकुलर एक एरिया नहीं होते हैं यहाँ के कुछ कॉर्टिकल एरियाज आपस में मिल के प्राइमरी ऑलफैक्ट्री कॉर्टेक्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एंड डीज एरियाज आर अनकस पैरिफॉर्म कॉर्टेक्स एंटोराइनल कॉर्टेक्स ठीक है एंड सम अदर एरियाज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ऑलफैक्ट्री कॉर्टेक्स इसके बाद में कुछ जो नर्व फाइबर्स हैं ये एमेजोलाइड कॉम्प्लेक्स में जाते हैं एंड दिस इज दिस स्मेल इज एसोसिएटेड विद द फूड एंड सोशल बिहेवियर सम ऑफ द फाइबर्स वीले इन द हिपो और जो ऑर्डर से रिलेटेड हमारी मेमोरी होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाउ लेट लेटस डिस्कस अबाउट द अप्लाइड फिजियोलॉजी तो जो पहला टर्म है दैट इज एनासमिया एनास्मिया का मतलब होता है लॉस ऑफ स्मेल जब सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनोसमिया जो कि दो टाइप का होता है टेम्प्रेरी एंड परमानेंट टेम्प्रेरी एनास्मिया का मतलब है वेन देर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू नोज है ना अगर नोज में निजल कैविटी में कोई रुकावट है तो थोड़े समय के लिए स्मेल का सेंसेशन इज लॉस्ड जिसके कारण है कॉमन कोल्ड या फिर साइनोसाइटिस या फिर एलर्जिक कंडीशंस परमानेंट अनोसमिया की कंडीशन तब पैदा होती है वेन देर इज लीजन इज इन ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट है ना अभी हमने जो ट्रैक्ट पढ़ा था अगर वहाँ पे कहीं कोई लीजन होगा तो उसकी वजह से देर इज परमानेंट लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल है ना इसके अलावा मैनेजाइटिस भी कॉज हो सकती है ठीक है देन कुछ डी चेंजेस होते हैं धीरे धीरे एजिंग के साथ साथ में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर डीजेनरेशन होने लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल पार्किसोनिजम में या फिर एल्जाइमर्स डिजीज के अंदर तो यहाँ पे भी धीरे धीरे uh, जो स्मेल का परसेप्शन है दैट इज लॉस्ड ठीक है तो ये परमानेंट कॉजेज uh, हो गए एनॉसमिया के हाइपोसमिया का मतलब है रिड्यूस एबिलिटी टू रिकोगनाइज जब स्मेल की क्षमता कम हो जाती है है ना तो सूंघने की क्षमता जब कम हो जाती है उसको हम बोलते हैं है कारण लगभग इसके भी अनोसमिया जैसे ही है तीसरा है हाइपरऑस्मिया वेन देर इज इंक्रीज ऑलफेक्ट्री सेंसेशन है ना तो यहां पे जो सेंसेशन है ऑलफेक्शन का नॉर्मल से भी इट इज इंक्रीज विच कैन अकर ड्यू टू ब्रेन इंजरी एपिलेप्सी के कंडीशन में या फिर सर्टन न्यूरोटिक कंडीशन में होता है ना एंड देन देर इज पेरोमिया वैन देर इज डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ स्मेल है ना the, जो कि ट्यूमर के केस में देखने को मिलती है ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक क्वेश्चन है विच कैन बी आंसर्ड इन द कमेंट बॉक्स एंड द क्वेश्चन इज विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द सेंसेशन ऑफ स्मेल यू कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग